कि बहुत हो रहा है उल्टी पुल्टी, अब न चलेगी उनकी चलती कि सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी आ रहे हैं। उल्टी पुल्टी वाले नहीं है महोदय, खाटी राष्ट्रीय जनता दल वाले महोदय। चंद सिक्कों के लालच में, चंद कुर्सी के लालच में पाला तो आप बदलते हैं, लेकिन जनता के अदालत में इंसाफ जनता करती है महोदय। चार इनके विधायक एब्सेंट हो जाते तो सरकार गिर जाती। तो ये चार जो गरीबों के रहनुमा है मांझी जी, हम इनसे एक कहना चाहते हैं कि सरकार से कहे कि डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट लागू करो, और नहीं तो हम समर्थन वापस लेते हैं। जय भीम, जय भीम। माननीय सभापति महोदय, जय भीम सभी को। माननीय सभापति महोदय, हम अपनी बात जो आज का दृश्य, जो नया दृश्य हुआ है, इस दृश्य से ही, इस दृश्य को देख करके ही हमको याद आ रहा महोदय कि बहुत हो रहा है उल्टी पुल्टी, अब न चलेगी उनकी चलती कि सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी आ रहे हैं। जो जन विश्वास यात्रा में जो जनता का अकाट प्रेम और प्यार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रति, राम बलि बाबू बोल चुके हैं, माननीय आपने महोदय नाम हमारा पुकारा सतीश कुमार, माननीय सदस्य को बुलाया गया, ये अभी बोलेंगे ना, माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार जी जनता दल के हैं महोदय। हम उल्टी पुल्टी वाले नहीं है महोदय, खाटी राष्ट्रीय जनता दल वाले महोदय। तो महोदय, हम विपक्ष के द्वारा लाए गए अनुपूरक व्यय पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हम खड़ा है महोदय। और जो सबसे बड़ी बात महोदय, कि इस यहां पर एक बात लिखी थी कि नीति और सिद्धांत के बगैर राजनीति बहुत लंबी नहीं होती है महोदय। तो हम अपने कुछ साथियों के कहना चाहते हैं महोदय कि कुछ चंद सिक्कों के लालच में, चंद कुर्सी के लालच में पाला तो आप बदलते हैं, लेकिन जनता के अदालत में इंसाफ जनता करती है महोदय। और विषय पे यही बोलेंगे महोदय कि सिक्कों के खनक पे नाचने वालों, रोजगार रोजगार की बात, सिक्कों की खनक पे नाचने वालों, जनता हिसाब करने के लिए तैयार है। और जो बिहार में जो सरकार जो चल रही है महोदय, इसको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, इसलिए जुगाड़ में अभी भी लगी हुई है महोदय। माननीय सदस्य ग्रामीण विकास पर अपना महत्वपूर्ण सुझाव महोदय, ग्रामीण विकास के ही मामला महोदय, और जो हम सब लोग ग्रामीण क्षेत्र से ही जीत के लगभग लोग आते हैं महोदय, और यहाँ पर अभी हमारे माले के साथी रामबली जी ने डी बंदोपाध्याय कमेटी की बात की। अभी मौका है मांझी जी के पास में महोदय, कि मांझी जी ने कहा एक सभा में कि हमने अपना कर्जा उतार दिया, नीतीश कुमार जी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया था और हमने नीतीश कुमार की कुर्सी बचा करके अपने कर्जा उतार दिया। यदि चार इनके विधायक एब्सेंट हो जाते तो सरकार गिर जाती। तो ये चार जो गरीबों के रहनुमा है मांझी जी, हम इनसे एक कहना चाहते हैं कि सरकार से कहे कि डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट लागू करो, और नहीं तो हम समर्थन वापस लेते हैं। ये तब जाकर के ज्यादातर दलित महादलित परिवारों को जमीन मिल पाएगा महोदय। और अभी इंदिरावास की बात कर रहे थे, अभी रामप्रीत पासवान जी बैठे हैं, इंदिरावास की बात कर रहे थे, और हमने इनके साथ भी पूरा बिहार घूमने का मौका मिला महोदय। बिहार का एक भी इंदिरावास ऐसा दिखा दे जिसमें पलस्तरा और खिड़की केवाड़ी और फर्श जमीन बना हो महोदय, तो क्या उस एस्टीमेट में पलस्तरे के लिए पैसा नहीं होता है, खिड़की केवाड़ी लगाने के लिए पैसा नहीं होता है, या जमीन बनाने के लिए पैसा नहीं होता है? तो उनका पलस्तरा, खिड़की केवाड़ी और जमीन का पैसा कौन खा जाता महोदय?
ये लंबे समय से ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इसका हिसाब इनको देना चाहिए कि गरीबों की जो कॉलोनियां बन रही है उस पर पलस्तरा क्यों नहीं होता है, उसमें खिड़की दरवाजे रोशनदान क्यों नहीं होते हैं, ये बात उनको बतानी चाहिए महोदय। और रही बात महोदय ग्रामीण विकास की महोदय, तो हम बताना चाहते हैं महोदय कि अभी अनुपूरक बजट है और उसमें महोदय ये बजट में 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने की बात हुई है। इसका मतलब जाति आधारित गणना में ये साबित हुआ है कि पहले जो डी बंधोपाध्याय कमेटी में 21 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए थे, अब उसकी संख्या बढ़ के 94 लाख हो गई है। इससे साबित होता महोदय कि 94 लाख परिवार जो है वो भूमिहीन है, गरीब है, तो जब तक उनको खेती योग्य जमीन हम नहीं देंगे तब तक उनका असल विकास नहीं हो सकता महोदय। और दूसरी बात महोदय हम कहना चाहते हैं कि सबसे जो सिलेंडर की बात हुई, उज्ज्वला योजना की बात रामप्रीत पासवान जी ने की, हम अभी जन विश्वास यात्रा के लिए नुक्कड़ सभा करने गांव में गए थे महोदय, एक महिला ने मेरा हाथ पकड़ करके, और बूढ़ी माता जी थी, हमको घर में ले गई और उन्होंने कहा कि बेटा देखो ये सिलेंडरवा मिलने हल जरा में 5 जगह टीका लगा दिलिए है और रोज गोर लगाइए कि कहीं ना 1200 रुपया हमारा होते कि सिलेंडरवा हम भरे भाई। तो ये हकीकत है महंगाई का महोदय। और रही बात महोदय हमारा क्षेत्र मखदुमपुर से हम आते हैं जहां की महान जनता ने हमको चुन करके भेजा है। मखदुमपुर पूरे बिहार में इकलौता ऐसा क्षेत्र महोदय जहां पे दंगल और कुश्ती सबसे ज्यादा होता है। और हम सरकार से चाहते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री स्टेडियम का निर्माण करा रहे हैं तो हमारे मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र में एक कुश्ती का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यदि बनाया जाए महोदय तो देश को गोल्ड मेडल जिताने वाला कुश्ती पहलवान वहां से पैदा होंगे महोदय। इसलिए हम चाहते हैं कि वहां कुश्ती का खेल स्टेडियम बनाया जाए। और पिछले भी बजट सत्र में हमने कहा था कि हमारे विधानसभा में 2 ब्लॉक आते हैं मखदुमपुर और काको। मखदुमपुर 22 ब्लॉक और 19 नगर पंचायत का ब्लॉक है महोदय, लेकिन उसका अपना भवन वही अंग्रेज का समय वाला भवन है महोदय। तो वो प्राथमिकता के आधार पर मखदुमपुर का ब्लॉक भवन का निर्माण कराया जाए, काको का ब्लॉक भवन का निर्माण कराया जाए। यदि वो भवन का निर्माण नहीं कराया जाता है तो इतने बड़े ग्रामीण इलाकों में विकास को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। और तमाम कुछ यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य विभाग के 400 से ज्यादा डॉक्टर सचिवालय में वेटिंग फॉर पोस्टिंग है और उनका डेली अटेंडेंस सचिवालय में बनाया जाता है और प्रत्येक महीना उनसे आर्थिक दोहन भी किया जाता है। तो उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा की बात की थी तो जो 400 से ज्यादा जो डॉक्टर सचिवालय में वेटिंग फॉर पोस्टिंग है और अपना अटेंडेंस सचिवालय में जा करके बनाते हैं, उनका अगर ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग कर दिया जाए तो ग्रामीण इलाकों का स्वास्थ्य और सुदृढ़ हो सकता है महोदय, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए ये जो सरकार जो काम कर रही महोदय वो ग्रामीण हितों की काम कम और शहरी हितों की काम ज्यादा ये दिखाई पड़ती है महोदय। संपन्न लोग के हितों की काम ज्यादा, गरीब लोग के हितों की काम कम। कई एक बार हम लोगों ने सदन में कहा है कि जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, जो किसानों के मलगुजारी, किसानों के दखल खारिज में जो बिचौलियों के द्वारा जो पैसे की उगाही होती है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या लगातार आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं तो क्या बिहार का विकास का श्रेय आपको जाता है तो भ्रष्टाचार का श्रेय भी आपको नहीं जाता है कि गरीब गुरबे किसानों से आप उगाही करवाने का काम करते हैं? आप अपने तो इस तरीके का जो हालात ग्रामीण इलाकों में बनाया गया है उस पे हम चाहते हैं कि सरकार इस पे सख्त कानून बनाए कि जो भी भ्रष्टाचार करे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों के लिए दरवाजा खोल दिया है कि हमारे यहाँ आओ तो सदाचारी हो गए और दूसरे यहाँ रहोगे तो भ्रष्टाचारी हो गए, उस नीति से एक कल्याण नहीं हो सकता है। तो तमाम चीजों ग्रामीण विकास विभाग में
और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास में जो कार्य होते हैं, विकास के जो योजना मद के काम होते हैं, उसकी गुणवत्ता के लिए जो जितना पर्याप्त जेई होने चाहिए, जितना पर्याप्त एई होने चाहिए, वो नहीं होते महोदय। जिसके वजह से ग्रामीण का सात निश्चय से बनने वाली सड़कें या सात निश्चय से बनने वाली नालियां या सात निश्चय के तहत हर घर नल का जो व्यवस्था किया जा रहा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि गुणवत्ता की कमी आप साफ साफ दिखेगा, क्योंकि टेक्निकल लोग की कमी है वहां पे। जो एमबी बुक करते हैं वो नॉन टेक्निकल लोग एमबी बुक करते हैं, तो क्या मेजरमेंट वो करेंगे जिनको खुद ही टेक्निकल जानकारी नहीं है। तो ग्रामीण विकास विभाग में टेक्निकल लोग की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे ग्रामीण स्तर पे जो होने वाले विकास है उसमें भी उनको कम से कम, जैसे हम ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें 5 साल मेंटेनेंस के लिए बनाते हैं, तो उसी तरीके से ग्रामीण विकास के भी जो सड़कें बने उसका भी एक मेंटेनेंस पॉलिसी हमको बनाना चाहिए, जिससे हम उसको मेंटेन कर सके, जिससे हम और लंबे समय तक के उसको सुगमता प्रदान कर सके। और जो ग्रामीण इलाकों में जो नालियां बन रही है, वो नालियों की सफाई कभी नहीं होती है। इसकी एक नाली की साफ सफाई की एक पॉलिसी तय हो कि आखिर वो नालियों में कचरे हो रहे हैं, नालियों में मच्छर हो रहे हैं, कभी भी किसी तरह का पाउडर उन नालियों में नहीं छिड़का होता महोदय। तो मंत्री जी हैं, बहुत अनुभवी, बहुत सीनियर मंत्री हैं, तो इन चीजों पे आप यदि ध्यान देंगे तो ग्रामीण स्वास्थ्य भी सुधरेगा। उनके यहाँ मच्छरदानी नहीं होता है, रात भर दिन भर मेहनत करके काम करते हैं और रात भर उनका मच्छर उनका खून चूसता महोदय। तो एक खून जो चूसता है, इसके लिए दोषी हमारे मंत्री जी हैं महोदय, क्योंकि मच्छर भगाने का उपाय इन्होंने नहीं किया। आपका समय समाप्त हो गया है। थोड़ा सा महोदय 30 सेकंड और हम अपनी बात को बोल के खत्म करेंगे महोदय। इसलिए महोदय हम चाहते हैं कि मखदुमपुर ब्लॉक में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है महोदय, लगातार हम संघर्ष करते हैं, उप मुख्यमंत्री महोदय है, विजय चौधरी जी है और ग्रामीण विकास मंत्री है महोदय, मखदुमपुर कार्यालय में, अंचल कार्यालय में सीओ के स्तर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा महोदय, उस पे कार्रवाई हो, ये हम सदन से चाहते हैं। हमारे मखदुमपुर में सीडीपीओ के स्तर पे तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका से उगाही की जाती है 3,000-3,000 रुपए महोदय, इस पे कार्रवाई किए जाए और उनकी संपत्ति की जांच की जाए महोदय, हम सदन से मांग करते हैं। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल